नमस्कार, मैं हूं श्रवण यादव, आप देख रहे हैं न्यूज़ शॉर्ट। आज जो है बारुण में पंजाब नेशनल बैंक का नए मकान में इसका फिर से ओपनिंग किया गया है। इस अवसर पर पंजाब नेशनल बैंक के सर्किल हेड सर आ चुके हैं। आइए विशेष रूप से हम सर से ही जानेंगे। तो स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। ये पंजाब नेशनल बैंक की बारुण शाखा काफ़ी पुरानी शाखा है और इसमें जो है काफ़ी अच्छा बिजनेस ये शाखा कर रही है। तो लेकिन ये बिल्डिंग जो है काफ़ी थोड़ी पुरानी हो गई थी, जिससे कस्टमर्स को और स्टाफ को असुविधा हो रही थी। तो हमारे जो मकान मालिक थे उन्हीं से हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया और उन्होंने फिर एक ये नया बिल्डिंग बना कर दिया जो हम लोगों ने शिफ्ट किया है। बिजनेस भी सेम रहेगा क्योंकि बस अगल बगल ये बिल्डिंग है और हम ग्राहकों को और बेहतर सेवा दे सकेंगे। वैसे ग्राहक जो सर आने में असमर्थ हैं, विकलांग हैं या किसी भी तरह से शारीरिक सर क्षमता उसमें नहीं है, तो उनके लिए सर विशेष क्या रखा गया है जो ताकि उनको सर आसानी से काउंटर तक पहुंच सकें और आसानी से बैंक मैनेजर से बातचीत कर सकें? नहीं, एक तो है कि जो लोग बहुत ज़्यादा शारीरिक रूप से अक्षम है या जो सीनियर सिटीजन्स हैं 70 ईयर्स से ऊपर के एज के, उसके लिए बैंक की सुविधा है। अगर कुछ है उनको ज़रूरत तो उनको होम सर्विस दी जाती है, वो बताते हैं या उनके लोग आकर बताते हैं तो उनको स्टाफ को भेजकर उनको घर पे ही पेमेंट किया जाता है। दूसरे हम लोगों ने कई जगह बीसी सेंटर्स भी खोले हुए जो उन्हीं के गाँव में है, उन्हीं के यहाँ काम कर रहा है तो उनको भी कर दिया था। वो जाकर जो है एक छोटे अमाउंट का पेमेंट या जमा करना है तो वो उनको घर पे ही सर्विस दे सकते हैं। प्लस जो हमारे यहाँ लोग हैं उनको जो है अलग से देखकर, ये हर चीज़, ये तो मानवता की बात है कि वो दिखता है तो जो कस्टमर्स है वो भी उनको स्थान दे देते हैं और हमारे जो स्टाफ सदस्य है वो भी उनको प्राथमिकता के स्तर पर सेवा देते हैं। बारुण जैसा क्षेत्र में सर पंजाब नेशनल बैंक जो है सर सबसे ज़्यादा भीड़ लगने वाले बैंक हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा काम तिरा इसमें सर, इसके लिए क्या प्रयास किया जा रहा है बैंक से? नहीं, इसमें एक चीज़ है कि बहुत चीज़ें डिजिटल हो गई है, जो नई चीज़ें के ज़माने के लोग हैं। जैसे पहले बहुत काम, जिस काम के लिए हमें बैंक तक आने की ज़रूरत पड़ती थी, जैसे एक ट्रांजैक्शन करना है, 4 बजे बैंक बंद हो गया तो कस्टमर नहीं कर पाता था, अगले दिन कर पाता था। अब ये सब चीज़ें जो है PNB One ऐप हमारा, हम उसको बहुत ही तेज़ी से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उससे किसी भी समय 24/7 वो उससे जो है अपना ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं, अपनी FD खुद बना सकते हैं, अपना FD अगर है उस पर ओवरड्राफ्ट लेना है खुद कर सकते हैं, वो घर बैठे बैठे कर सकते हैं। और उसके लिए उनको बैंक आने के, उनके अकाउंट्स में क्या ट्रांजैक्शन हुआ, M Passbook भी उसमें है, स्टेटमेंट वगैरह, इसी सब कई काम के लिए लोग पहले बैंक ज़्यादा आना पड़ता था, अब वो चीज़ उनको घर बैठे अपने मोबाइल पर ही सर्विस उपलब्ध कराई जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, हमारे साथ बैठे हुए हैं जदयू के सीनियर नेता हैं और साथ ही मकान मालिक भी हैं, सुनील सिंह जी, आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। तो स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। थैंक यू। हाँ सर, लगातार सर कई वर्षों से आप ही के मकान में ये बैंक है और पुनः सर नया भी स्थापना हुआ तो आप ही के मकान में हुआ, कुछ बताना चाहेंगे सर? ये तो हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है कि भारत का अग्रणी बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, और हमारे पुराने प्रमाइस में था और आज नए प्रमाइस में शिफ्ट हुआ है। तो किसी न किसी परोक्ष रूप से ही हम लोग जनसेवा में जुटे हुए हैं और हमारा कैरेक्टर ही है जनसेवा, तो उसी दिशा में एक नया कदम है ये। और हम खास कर थोड़ा सा ग्राहकों को कहना चाहेंगे, जैसा अभी सर्किल हेड साहब ने कहा कि थोड़ा सा इंटरनेट बैंकिंग लोग सीखें, और दूसरा एक मैसेज हम देना चाहेंगे कि जो भी लोन लें उस लोन को लोग अपना निजी कैपिटल ना समझें, उसका सदुपयोग करें, बिजनेसेस करें। बैंक हमेशा लोन देने के लिए तत्पर रहती है, उसमें थोड़ा पब्लिक की तरफ से सतर्कता की और तत्परता की ज़रूरत है। और सबको शुभकामना मेरे तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद।